दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2023 यानी पिछले सीजन की वन ऑफ द मोस्ट वीकेस्ट टीम। बेहद खराब प्रदर्शन रहा था इनका, अपने शुरुआत के 5 मैचेस हारे थे और 9th फिनिश किया था इन्होंने पॉइंट्स टेबल में पिछले सीजन। पर क्या इस साल आईपीएल 2024 में तस्वीर बदलेगी, आइए बात करते हैं इस बारे में। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्स न्यू की। 14 महीने बाद ऋषभ पंत वापसी कर रहे हैं क्रिकेट में। दिल्ली कैपिटल्स के सबसे बड़े खिलाड़ी ऋषभ पंत अब फाइनली क्रिकेट में खेलते हुए दिखेंगे, आपको दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए दिखेंगे। कमाल की बात यह है कि अब वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए कप्तानी भी करेंगे। पिछले साल डेविड वार्नर कप्तान थे, पर इस बार ऋषभ पंत कप्तानी करेंगे, विकेट कीपिंग करेंगे और बैटिंग करेंगे। सब चीज़ों का क्लियरेंस मिल गया है उन्हें बीसीसीआई की मेडिकल और फिटनेस टीम से। नंबर दो, कुमार कुशाग्र। 7.2 करोड़ रुपए में झारखंड का ये विकेट कीपर बैट्समैन दिल्ली कैपिटल्स ने इस बार ऑक्शन में खरीदा था, जिसके बाद इस प्लेयर ने सुर्खियां बटोर ली थी। सब लोग ये सोच में पड़ गए थे कि एक नए प्लेयर पे इन्होंने 7.2 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए, अब उसका फॉर्म कैसा रहता है, वो खिलाड़ी कैसा खेलता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। अगर 7.2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तो कुछ सोच के ही किए होंगे। अब बात करते हैं इस टीम की ताकत क्या है। इस टीम की ताकत है बल्लेबाजी। टॉप ऑर्डर में डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ आते हैं, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में मिचेल मार्श और ऋषभ पंत जैसे दो बड़े नाम है जो आपका मिडिल ऑर्डर आराम से संभाल सकते हैं और एक फिनिशर का रोल भी प्ले कर सकते हैं। रिकी भुई और ट्रिस्टन स्टब्स। रिकी भुई रणजी ट्रॉफी में जो थे वो हाईएस्ट रन गेटर थे, ट्रिस्टन स्टब्स साउथ अफ्रीका की जो लीग थी SA20 लीग में अपनी टीम के लिए हाईएस्ट रन गेटर थे, तो इनके फॉर्म का भी फायदा उठाएगी दिल्ली कैपिटल्स। और ये सारे ही खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स को बनाते हैं एक पावरफुल बैटिंग यूनिट। वीकनेस, अब बात करते हैं इस टीम की वीकनेस की। तो इस टीम की वीकनेस है उनकी गेंदबाजी। कोई पेसर है ही नहीं, कोई एक बड़ा नाम है ही नहीं जब हम बात करते हैं तेज गेंदबाजों में। एनगीडी जो है बाहर हो चुके हैं क्योंकि इंजरी के चलते। अगर मैं बात करूं उसके बाद एंड्रिक नोकिया की, तो एक बहुत बड़ी इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं, तो कैसा फॉर्म रहेगा देखने में बड़ी दिक्कत हो सकती है उनको खेलने में भी। रिचार्डसन जो है वो पहली ऑप्शन नहीं है फॉर अ स्टार्टर, आप उनको देखेंगे नहीं पहले ही मैच में या पहली गेंदबाजी करते हुए, इस चीज की भी गारंटी है। और वहीं अगर मैं बात करूं मुकेश कुमार की, तो एक बड़ा नाम जरूर है मुकेश कुमार, पर T20 में इतने कंफर्टेबल वो रहे नहीं है और कितना ही कर लेंगे अकेले। ईशांत शर्मा भी एक नाम है, पर मैच प्रैक्टिस तो है ही नहीं, पूरे साल कुछ खेलते नहीं है ज्यादा, वो सीधे और सीधे आपको आईपीएल में ही दिखते हैं। तो देखिए दिक्कत बहुत ज्यादा है इस टीम में अगर मैं बात करूं गेंदबाजी की। इस वीकनेस पे काम करने की जरूरत है दिल्ली कैपिटल्स को। तो प्लेइंग 11 जो हो सकती है, सबसे पहले आएंगे पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर, उसके बाद आएंगे मिचेल मार्श, उसके बाद आएंगे ऋषभ पंत, फिर आएंगे ट्रिस्टन स्टब्स जो अभी SA लीग के हीरो हैं, उसके बाद आएंगे अक्षय पटेल, ललित यादव, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, ऑनरिक नोकिया और खलील अहमद। ये प्लेइंग 11 होने वाली है DC की, और मुझे लग रहा है ये प्लेइंग 11 ठीक है, पर बॉलिंग में अभी भी कमी है। अनलेस एंड अंटिल ये जो गेंदबाज हैं ये कुछ एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कर देते हैं। और एक, अब आता हूं मैं लास्ट में, एक सबसे बड़ा सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जिसका आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं, विच पोजिशन शुड ऋषभ पंत बैट एट? आपको क्या लगता है किस पोजिशन पे ऋषभ पंत को बल्लेबाजी करनी चाहिए, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, नंबर 5 पे, या आप ओपनिंग में ही देखना चाहते हैं उन्हें, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। DC हमारे ख्याल से जो है टीम प्ले ऑफ तक पहुंचने के लिए इन्हें अपनी गेंदबाजी में काम करना पड़ेगा, बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है। बाकी क्या होता है सारी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट कंट्री पर।